हरियाणा स्थापना दिवस के अवसर पर जहां करनाल में मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर द्वारा विभिन्न स्थानों पर कार्यक्रमों में भाग लिया गया, वहीं सीएम आवास रामनगर में प्रदेश भर के युवाओं ने पहुंचकर अपना रोष व्यक्त किया। इस दौरान युवाओं ने जमकर नारेबाजी की। प्रदेश भर के युवाओं ने कहा कि पूरा देश इस समय बेरोजगारी से जूझ रहा है, इस ओर कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा है। सक्षम योजनाओं के तहत युवाओं के सामने कई शर्तें रखी गई हैं जो सही नहीं है। इस दौरान उन शर्तों को हटाने की मांग की गई। बताते चलें कि युवाओं ने अपनी कई मांगों को लेकर भारी रोष प्रदर्शन किया। इस अवसर पर सुरक्षा की दृष्टि से भारी पुलिस बल मौजूद रहा। प्रदेश भर से आए बेरोजगार युवाओं ने बैरिकेड्स तोड़कर आगे बढ़ने का हौसला दिखाया और सीएम आवास का घेराव कर रोष प्रदर्शन में अपनी हाजिरी दर्ज करवाई। देखिए एक रिपोर्ट। पहले भी पूरे हरियाणा के अंदर, पूरे हिंदुस्तान के अंदर आज सबसे बड़ी बेरोजगारी है और इस कोरोना के दौर के अंदर 45,000 करोड़ लोग और ज्यादा बेरोजगार हो गए। बेरोजगार होने के बाद सड़कों पे आने पे मजबूर होना पड़ा रोजगार की मांग को लेके। इस बात को लेके जितनी भी भर्ती हुई पाबंदियां लगाई हुई है सरकार ने, इन पाबंदियों को हटाए और तमाम पदों पर भर्तियां निकाली जाए इस मांग को लेके, और जो 30-35 सक्षम युवाओं के लगा रखी है उस शर्त को हटाया जाए, और जो स्टेट की वैधता है 2013 के अंदर भर्ती हुई थी, आज 7 साल हो गए भर्ती हुए, जो एस्टेट का कागज था वो घर में रखे रखे एक्सपायर हो गया, उसकी वैधता को बढ़ाया जाए इस मांग को लेके, और आजीवन किया जाए इस मांग को लेके। और जो इंटर्नशिप कर रहे विद्यार्थी 1 साल काम करते विभागों के अंदर और फिर उनको घर जाने पर मजबूर कर दिया, इन मांगों को लेके हम लोगों ने प्रदर्शन किया। आज हमारे बीच के अंदर जो ड्यूटी मजिस्ट्रेट है तहसीलदार महोदय वो आए और उन लोगों ने मुख्यमंत्री से केएसडी से बात करके हमें समय दिलवाया है। 18 तारीख को 11 बजे चंडीगढ़ में मुख्यमंत्री से इन तमाम मांगों को लेकर बातचीत होगी और ये समाधान अगर नहीं निकलता इन मांगों को लेकर हमारा आंदोलन जारी रहेगा। आज ये पद यात्रा हम लोग यहाँ पे खत्म कर रहे हैं, लेकिन ये आंदोलन इन मांगों को लेके वो आंदोलन खत्म नहीं होगा। आने वाली 5 तारीख को पूरे देश के अंदर जो किसान है अपने मुद्दों को लेके, खेती बचाने को लेके, और हम भी अपना रोजगार बचाने की मांग को लेके उनके आंदोलन में भागीदारी करेंगे, और 26 तारीख को पूरे हरियाणा के अंदर बेरोजगार युवा मंच के बैनर से पूरे हरियाणा में अगर हमारी मांगों पे 18 तारीख को कोई पॉजिटिवली विचार विमर्श होके उनका समाधान नहीं होता तो पूरे हरियाणा में 26 तारीख को हम लोग रोड जाम करने का काम करेंगे। हर जिले के अंदर एक बड़े रोड पे जाम किया जाएगा और ये मांग की जाएगी सरकार से तीन मांगों का समाधान करे, और तब भी ये समाधान नहीं होता तो हम लोग बड़ी रैली आने वाले विधानसभा सेशन के दौरान को चंडीगढ़ के अंदर बड़े मोबिलाइजेशन करनी पड़ी तो वो भी हम लोग करेंगे। शाहनवाज वो सब इकट्ठे आए हैं और वो अपने मुद्दों पे बात कर रहे हैं। क्या हमारी देश के अंदर शिक्षा मांगना गलती है? क्या हमारी देश के अंदर एक गरीब का बच्चा, एक मजदूर का, किसान का बच्चा अगर अच्छे स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी में जाना चाहता है, क्या वो गलती है? हम विश्वास करते हैं ये जो मुद्दा है ये कोई दिल्ली का, जेएनयू का अलग से नहीं है, इस देश का सारे नौजवान, सारे छात्र जो आम परिवार से आते हैं, हम सबकी मुद्दा है और उसीलिए हम सब लोग एक साथ आए हैं। छात्र फेडरेशन, यूथ फेडरेशन, हम सब एक साथ आए हैं और हम चाहते हैं सरकारी समझे, उनके साथ हमारी कोई आपसी दुश्मनी नहीं है, कोई जाति दुश्मनी नहीं है, वो हमारी मुख्यमंत्री है, खुद जिम्मेदारी उनकी है। इस देश की नागरिक होने के नाते, हरियाणा की नागरिक होने के नाते, वो मांग नागरिक होने के नाते हमारी जो मांग है, जो अधिकार है, वही बताने, वही जताने जरूर आएगा। देख रहे हैं पूरे देश के अंदर बदलाव आ रहा है, सड़कों पे जो इतना लोग आए हैं ये बदलाव है, जो सरकार में बदलाव आएगी वो भी बदलाव होगा, पर ये ज्यादा जरूरी है। पर हम भारत के छात्र। आपका नाम? आपका नाम? दीपशिता। तो आप कोई छूट नहीं दी जा रही है, 7 साल हो गए जेबीटी की भर्ती को निकले, 7 साल वैलिडिटी है स्टेट की सर्टिफिकेट की, हमारी डिमांड है स्टेट की जो वैलिडिटी आजीवन हो सकती है
नेट की जो वैलिडिटी आजीवन हो सकती है तो एसटीएट की जो वैलिडिटी है वो आजीवन क्यों नहीं हो सकती। क्या कुछ कह रहे हैं इनके नेता, वो एक बार सुन लेते हैं, शायद बातचीत हुई है कह रहे हैं की सक्षम बातचीत के बाद क्या हल निकल कर आ रहा है वो सुन लेते हैं। भाई झंडे 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 हमारे एक मिनट में ज्ञापन दिया है इसको ऊपर ग्रुप पहुँचाएंगे और आपकी बात के बारे में जो भी बातें हैं ऊपर बताई जाएगी हमारे द्वारा। और आप जो कह रहे थे सीएम साहब से मिलने के समय के बारे में, उनके प्रतिनिधि से मिलने के बारे में, ताकि आप अपनी बात रख सकें पॉजिटिवली, तो आपकी बात के लिए हमने ओएसडी है सीएम साहब के संजय पाटला जी, और आपको सीएम साहब से वहाँ मिलवा दिया जाएगा जैसे ही होगा 18 तारीख को 11 बजे के आसपास। और जो भी अगर बाई चांस शेड्यूल कुछ बिजी रहता है, कभी आपसे बात हुई तो हम आपको 2 दिन पहले आपका फ़ोन नंबर लिया है इसलिए ताकि आपको इंटीमेट कर देंगे कि वो साहब चंडीगढ़ मिलेंगे या करनाल, नीचे चंडीगढ़ में मिलेंगे तो सेक्रेटरी में मिलेंगे या रेजिडेंट में मिलेंगे। तो आप जो अपनी बात है, सिर्फ 4-5 बंदे अपने इकट्ठे होकर अपनी बात जो भी विचार विमर्श करना है वो कर सकते हैं ताकि आपका पॉजिटिव समाधान हो। बाकी मैं यही अनुरोध करूँगा आप सभी लोगों से कि कानून को बिल्कुल भी हाथ में ना लें, क्योंकि आप भी युवा हैं और युवा पीढ़ी तो एक एग्जांपल होती है समाज के लिए। अगर आप ही एग्रेसिवली बिहेव करेंगे तो बताओ और कहाँ कैसे होगा। आप तो युवा हो, आप तो बैकबोन हो, रीढ़ की हड्डी हो हर एक चीज़ की, आप ऐसे एग्रेसिवली बिहेव करोगे, मुझे एक्सपेक्टेशन बिल्कुल नहीं था, लेकिन कोई बात नहीं, आप समझ गए इस बात को। ये बहुत अच्छा लगा कि आप लोग समझे इस बात को, आपने आराम से बैठ के अपनी बात हमें बताई, हमारे को ज्ञापन दिया आपने, हम ये ज्ञापन जरूर कर सकते पहुँचाएंगे। ऐसे ही लेटेस्ट खबरें पाने के लिए बेल आइकन को क्लिक करें, हमारे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। JBD Banquets लाए हैं Incredible Marriage Palace Rajgharana and the finest banquet hall Jyoti Garden. World-class catering, centrally air-conditioned, lush green lawns, state-of-the-art lighting. A perfect venue for wedding, launching and parties. Rajgharana and Jyoti Garden at JBD Banquets Enterprise.